good morning children today in EVS we are going to continue with chapter 11 force work and energy in my last class I have discussed few topics of this chapter like what do you mean by force what can force do force se hum log kya kya sakte then different types of forces like muscular force gravity uh, friction elastic force so today I am going to move on with the chapter with the new topic that is work work ka meaning kya hota hai bachcho kaam karna we you might have uh, often heard from the teachers from your parents do your work on time do your work on time अपने काम को समय से कर लो पूरा कर लो complete your work तो ये क्या होता है work means काम करना अपना काम जो है उसे complete करना so in our daily life वी ऑफ़न यूज़ द वर्ड वर्क बहुत जगह आपने सुना होगा स्कूल में टीचर्स कहते हैं आपके फ्रेंड्स कहते हैं हैव यू कम्प्लीटेड योर होम वर्क क्लास वर्क एंड पेरेंट्स के मुँह से भी आपने बहुत बार सुना होगा वर्क दैट कम्प्लीट योर वर्क अपडेट योर वर्क एंड ऑल ऑफिस में जब आप पापा के साथ कभी जाओगे ममा के साथ जाओगे तो वहाँ भी आपने सुना होगा ऑल आर बिजी विद दर्क तो ये जो वर्क है ना बहुत कॉमन वर्ड है विच कैन बी हर्ड एनी वे यू कैन से सो हाउ एवर इन साइंस द मीनिंग ऑफ वर्क इज स्लाइटली डिफरेंट फ्राम इट्स मीनिंग इन अवर डे टू डे लैंग्वेज चिल्ड्रेन हमारा जो डे टू डे लैंग्वेज है ना उसके हिसाब से साइंस के अकॉर्डिंगली वर्क का मीनिंग थोड़ा सा डिफर होता है इन साइंटिफिक टर्म्स वेन वी अप्लाई फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ईदर मूवज अ डिस्टेंस और स्टॉप्स वी से दैट वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट सो साइंस के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है साइंटिफिक टर्म uh, में कि व्हेन वी अप्लाई जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो क्या होता है जो ऑब्जेक्ट है इधर द ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस और स्टॉप्स या तो थोड़ा सा वो मूव हो जाता है डिस्टेंस में या तो स्टॉप हो जाता है वी से दैट वर्क इज़ डन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर दिया गया वी स्पीक लाइक दिस इवन इफ यू पुश अ वॉल विथ ऑल योर फोर्स इट डज नॉट मूव सबको पता है इन दिस केस हाउ एवर टायर्ड यू मे बी फीलिंग यू हैव नॉट डन एनी वर्क इन साइंटिफिक टर्म्स क्या मीनिंग हुआ अगर आप एक वॉल की तरफ फेस करके और अपने हैंड से फोर्स करके वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वॉल मूव होता है

अब मान लीजिए कि uh, कोई पर्सन है वो एक बॉक्स को लेकर हैवी बॉक्स को लेकर अपने सर पर खड़ा है तो क्या ये काम है नो अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज़ नॉट अ वर्क बट ओनली एज द पर्सन जो मैन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है कब वेन इट वॉक्स वेन इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एनेदर क्या होता है वर्क इज बींग डन ओवर दै क्लियर नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स मशीन्स चिल्ड्रेन वॉट do यू मीन बाई मशीन्स आपने सुना होगा बहुत जगह देखा भी होगा मशीन्स और शायद पहले आपने पढ़ा भी होगा वॉट डू यू मीन बाई मशीन्स मशीन्स ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं बच्चों जो हमारे वर्क को ईजी बनाते हैं हमारे टाइम को सेव करते हैं हमारे वर्क में स्पीड ला देते हैं हमारे वर्क को जल्दी फिनिश कर देते हैं सेव्स आर टाइम ऑल्सो और हमारा जो वर्क है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं लाइक एन एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल आई गिव यू ऑफ मशीन लाइक कम्प्यूटर गुड एग्जाम्पल इज कंप्यूटर आप एक हैंड से राइटिंग कर रहे हो लेटर टाइप कर रहे हो लिख रहे हो तो वो टाइम टेके नहीं है कुछ कैलकुलेशंस ही जस्ट इमेजिन योर कैलकुलेटिंग सम कैलकुलेशंस आप कर रहे हो कुछ रिजल्ट बना रहे हैं या फिर समथिंग लाइक दैट ओनली यू आर डूइंग द टोटलिंग ऑफ सम नंबर्स टुगेदर आपको अगर दिया गया है कि आपको आपके खुद का अपना भी और अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स का सारा सब्जेक्ट्स का मार्क्स का टोटल करना है तो जस्ट इमेजिन इफ़ यू आर हैविंग टेन फ्रेंड्स सो इट विल टेक टाइम बट एज़ यू फीड द मार्क्स इन कंप्यूटर विद इन फ्यू सेकेंड्स चिल्ड्रेन फ्यू सेकेंड्स में क्या होगा कि उसकी टोटलिंग हो जाएगी तो यहाँ क्या क्या है? आपको हेल्प मिला इट मेक्स अ वर्क इजिए वो हमारे वर्क को ईजी बना दिया आपको मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ी आपका टाइम बच गया जो आप अपने से बैठ कर करते वन आवर लगता वो फ्यू सेकेंड्स में कम्प्लीट हो गया और इन फ्यू मिनट्स यू कैन से इट हैज़ बिन कम्प्लीटेड और आपके वर्क को ईजी भी बना दिया वो अंडरस्टूड सो मशीन्स वैसे इक्विपमेंट्स होते हैं विच मेक अ वर्क ईजियर विच हेल्प्स अस टू डू अ वर्क सो देर आर सम समास्क विच कैनॉट बी डन बाय मास्क्यूलर फोर्स अलोन कुछ ऐसे हैं जो मास्कुलर फोर्स लाइक एग्जाम्पल वहीकल आप ले लो चिल्ड्रन स्कूटर बाइक क्या ये फोर्स से आप उसे धक्का लगा कर पुश कर कर चला सकते हो नो इट इज नॉट पॉसिबल ओवर वी नीड अ मशीन उसमें भी एक मशीन की जरूरत होती है ना पुश करने के लिए सो एवरी वे मास्कुलर फोर्स इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर डूइंग सच टास्क वी यूज वेरियस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स विद द हेल्प वी कैन डू डिफिकल्ट टास्क इजिली ना दीज टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज मशीन्स तो जो कुछ टूल्स हम लोग और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं ना अपने वर्क को अपने टास्क को कम्प्लीट करने के लिए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मशीन्स चिल्ड्रन क्लियर ना मशीन्स मेक अ वर्क ईजियर बाय इंक्रीजिंग द फोर्स अप्लाइड बायस चेंजिंग द डिरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द वर्क ऑल द थ्री पॉइंट्स विच हैव एक्सप्लेन यू राइट नाउ नो वी यूज अ वेराइटी ऑफ मशीन्स नो डाउट दिन भर में हमारी डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी वेराइटी ऑफ मशीन्स यूज करते हैं सम ऑफ दैम आर वेरी सिंपल वाइल सम आर वेरी कॉम्प्लेक्स कुछ जो है वो सिंपल होते हैं बट जो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बट ऑल द कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर मेड अप ऑफ मैनी सिंपल मशीन्स लेट एस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन्स मशीन्स आर ऑफ टू टाइप्स एक सिंपल मशीन्स होता है और कुछ होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो सिंपल मशीन से वो हमारा वर्क बहुत ईजीली कर देता है इवन द कॉम्प्लेक्स वन ऑल्सो सो लेट स्टार्ट विद्पल मशीन का फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेवर चिल्ड्रेन क्लियर सो द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन इज लेवर चिल्ड्रेन ओके सो वॉट डू यू मीन बावर लेवर इज़ ए लॉन्ग रॉड विच रेस्ट ऑन अ सपोर्ट लेवर क्या होता है एक लंबी सी रॉड होती है बिल्कुल इस टाइप की जो कि रेस्ट करती है एक सपोर्ट पर सी द सपोर्ट गिवन ओवर हियर। इट इज़ यूज टू लिफ्ट वेट्स कभी कभी वो वेट को भी लिफ्ट करने में यूज होती है कट थिंग्स और ओपन लिड्स लिड को ओपन करने में भी यूज होता है कभी कभी कुछ चीज़ों को काटने में भी यूज किया जाता है सीजर्स बॉटल्स ओपनर्स प्लायर्स टोंग्स एंड नट क्रैकर्स आर सम एग्ज़ैम्पल्स ऑफ द लेवर सो लेवर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं सीजर होती है बॉटल होती है ओके सीजर बॉटल बॉटल ओपनर्स प्लायर्स टोंग्स नट क्रैकर्स ये सब जो है, वो एग्जाम्पल्स हैं किसके लेवर के अ सीशो इज ऑल्सो अ लेवर जो सीशो होता ना यू माइट हैव प्लेड इन द पार्क दस वन चिल्ड्रेन ये भी एक सिंपल मशीन मीन्स लेवर का एग्जाम्पल होता है ना यू कैन अंडरस्टैंड हाउ अ स्मॉल चाइल्ड लिव्स अप अ हैवियर चाइल्ड ऑन अ सी सो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सी द लेवर ये जो सीशो है ना इसके बीच में भी एक सपोर्ट दिया गया है वन स्ट्रेट रॉड है और बीच में एक सपोर्ट है उस सपोर्ट के हेल्प से अ uh, चाइल्ड जिसका वेट बहुत ज़्यादा है हैवी वेट है और एक लाइट वेट का पर्सन है तो जो हैवी वेट वाला है पर्सन वो ईजिली लिफ्ट डाउन हो जाएगा एंड जो लाइट वेटेड है वो उसे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है मूव करने के लिए रॉड को क्लियर वॉट डू यू मीन बाय लेवर चिल्ड्रेन नो वॉट डू यू मीन बाय पुली एन अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन ये आप सभी ने देखा भी होगा और सुना भी होगा इवन इन सिटीज़ ऑल्सो यू कैन फाइंड वेल कुआँ जिसे हम हिंदी में कहते हैं न या फिर इन विजेज मोस्टली इन विजेज यू कैन फाइंड वेल्स तो जो कुएँ होते हैं ना उसके सेंटर में हमेशा इस टाइप का एक पुल लगा हुआ रहता है हैवी एवर सीन वो पुल क्यों यूज होता है उसके बीच में रोप को फंसा दिया जाता है डाल दिया जाता है एंड फ्रॉम वन साइड वॉट यू ऑल डू कि हम क्या करते हैं कि उस रोप को लूज़ छोड़ते हैं और बाकेट जो है

ड्रॉ वॉटर मूव एलिवेटर्स एक्सेट्रा तो आपने बहुत जगह देखा होगा फ्लैग हॉस्टिंग भी आपने देखा है ना तो जो फ्लैग वाला पिलर होता है ना उसके ऊपर भी इस टाइप के आपको पुलिस मिल जाएंगे वो भी उसमें भी जो रोप्स रहते हैं उसको डाला जाता है एंड वन साइड से जो हमारा फ्लैग होता है उसे अप किया जाता है लिफ्ट किया जाता है और उसके बाद हॉस्ट किया जाता है यू माइट हैव नोटिस दिस और अगर आपने नोटिस नहीं किया ना बच्चों वेरी सुन On January, you can be able to clarify it okay and क्लेरिफाई इट ओके एंड टू kahi करटन्स ऑल्सो कहीं कहीं कर्टन्स के लिए भी यूज़ होता है फिर uh, आपके elevators, you might have seen elevators, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी पुलिस होते हैं टू लिफ्ट द मटेरियल अपस्टेज अपस्टेज में मटेरियल को ऊपर कैरी करने के लिए भी यूज होता है कुछ पुलिस एंड You can, um, you might have seen shopping malls. Usme bhi aapne elevators ko dekha So, clear children, what do you mean by pulley? The next example of simple machine is wheel and axle. A wheel and axle is made up of two circular objects. One larger object and uh, one larger object called the wheel, and the other smaller object called the axle. सो व्हील एंड एक्सेल जो ये आ, आपका एग्जाम्पल है सिंपल मशीन का द व्हील रिवॉल्व ऑन द एक्सेल व्हील जो है वो रिवॉल्व करता है एक्सेल के ऊपर अ बाईसकल पेडल अ स्टीयरिंग व्हील एंड अ स्क्रू ड्राइवर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ व्हील एंड एक्सेल तो लाइक बाइसिकल यू कैन सी चिल्ड्रेन ओवर गैया जो पेडल होते हैं ना वो एक्सेल के ऊपर दिस इज नोन एज एक्सेल वो एक्सेल के ऊपर वो रोल अप होते हैं क्लियर व्हाट इज एक्सेल एंड वॉट इज़ व्हील व्हील को हम आप हिंदी में क्या कहते हैं आपके साइकल्स में बाइक्स में स्कूटर्स में कार्स में व्हील यूज होते हैं ना दैट इज़ ओनली ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इंक्लाइंड प्लेन चिल्ड्रेन वॉट डू यू मीन बाई इंक्लाइंड प्लेन ये भी आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा लेकिन शायद आपको अभी तक पता नहीं हुआ कि दिस इज नोन एज इंक्लाइंड प्लेन्स सो एन इनक्लाइंड प्लेन इज अ सर्फेस दैट इज रेज ऑन वन एंड इट मेक्स इट इजियर टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स अप और डाउन इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग समथिंग हैवी स्ट्रेट अप यू कैन पुश इट अपू कैन पुश इट अप एन इनक्लाइंड प्लेन विथ लेस फोर्स तो ये आपको हेल्प करती है आपके वर्क को इजी करने में और बॉडी से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जो एनर्जी लग रही है ना वो आपकी हेल्प करती है उसे कम लगने में लाइक सी दिस पिक्चर आपने देखा होगा इस टाइप के इंक्लाइंड प्लेन्स रहते हैं टू लोड सम गुड्स गुड्स को जब लोड करना रहता है ना तो इस टाइप के स्लोप्स बने रहते हैं या जनरली यू कैन फाइंड इट इन योर होम ऑल्सो आपके घर के एंट्रेंस के पास भी इस टाइप के इंक्लाइंड प्लेन्स बनते हैं ना जब आपकी बाइक या स्कूटर आप जो या साइकिल जो आप घर के अंदर पाक करके रखते हो और उसे अगर आपके घर के आपके घर के अंदर चढ़ने के लिए कम से कम वन और टू स्टेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ से जंप करके तो नहीं आएगी तो सेंटर में एक इंक्लाइन प्लेन रहता है ना स्लोपिंग वन तो वो क्या करता है वो आपके वहीकल को ईजीली नीचे स्लाइड कर देता है इट माइट बी देर सो दैट इज़ इंक्लाइन प्लेन इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो यू कैन सी दिस जब स्ट्रेचर्स को पेशेंट्स को कैरी किया जाता है ना व्हील में स्ट्रेचर्स में तो वी uh, स्टेज भी तो रहते हैं बस स्टेज से तो आप लिफ्ट नहीं कर सकते तो स्टेज के एक कॉर्नर में हमेशा एक इनक्लाइंड प्लेन रहता है जिससे कि आप इजीली स्लाइड करके आप कैरी कर सकते हो क्लियर चिल्ड्रेन थैंक यू